धर्म ग्रंथों के अनुसार वीर हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है और हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर अज्ञात रूप से रहते हैं। हनुमान जी की महिमा और उनके चमत्कारों के किस्से हमारे जनमानस में रचे बसे हैं। हनुमान जी के कई मंदिरों से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित पिलुआ महावीर मंदिर। मान्यता है इस मंदिर में हनुमान जी द्वारा राम नाम जपने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रूरा में स्थित इस मंदिर को पिलुआ महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे पर बसे इस हनुमान मंदिर में बहुत दूर दूर से हनुमान भक्त पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में ध्यान मग्न होकर बैठने पर हनुमान जी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही इन सांसों के साथ साथ राम नाम की ध्वनि भी निकलती है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है और इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। पिलुआ हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान को जिस प्रसाद का भोग लगाया जाता है वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ईश्वर को जो भी हम भेंट अर्पित करते हैं वो उसे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इस हनुमान मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी को चढ़ाए गए लड्डू और बूंदी का भोग उनके मुख पर लगाने से कुछ देर में वो पूरी तरह गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता ये प्रसाद कहाँ चला जाता है। आस्था और विश्वास तर्क से परे होते हैं क्योंकि इनका संबंध व्यक्ति की भावनाओं से होता है। ठीक ऐसा ही संदेश मिलता है पिलुआ हनुमान मंदिर से जुड़ी दंत कथाओं में। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि हनुमान जी सच्चे मन और साफ नीयत से मांगी गई हर मुराद को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी स्वयं यहाँ उपस्थित होने का एहसास भी दिलाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।